Hey everyone, this is Aishwarya and welcome to Beauty with Goats. So guys, last video में हमने देखा था about updated pattern of cognizant, right? ऐसा ही कुछ हमने देखा था. तो उसमें मैंने last में पूछा हुआ था कि अगर तुम्हें चाहिए कि मैं एकदम से उसका जो भी important topic वगैरह है उसके बारे में discuss करूँ, तो बहुत लोगों ने बोला हाँ. तो हाँ, हाँ बोलने से हाँ हो ही जाता है, राइट? तो चलो ठीक है, आज मैं एकदम बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ कौन कौन से टॉपिक हैं जो तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारी हेल्प करेगा अच्छे अच्छे ग्रेड से, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करने में. पहला टॉपिक हमारा क्या था, जल्दी बताओ. पहला टॉपिक हमारा था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट? क्वांट से मैं आपको कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उससे क्वेश्चन आने वाले. तो पहला आपका परसेंटेज, सेकेंड वन इज़ एवरेज, थर्ड वन इज़ प्रॉफिट लॉस, उसके बाद फोर्थ आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट, फिफ्थ कंपाउंड इंटरेस्ट. इसको एक साथ में मर्ज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद हो गया आपका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, एंड देन हो गया आपका प्रोबेबिलिटी. बस इतने से हैं जो इंपॉर्टेंट है. एक और है जो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, स्टिल इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका पी एन सी बोले तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. अगर टाइम बचे तो ये भी पढ़ लेना, नहीं बचे तो इसको इग्नोर कर सकते हो. तो इसको ऐसे करके मैंने रखा है. उसके बाद आ जा रहे हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज़ वर्बल एबिलिटी, यानी कि इंग्लिश. आसान शब्दों में अगर बोले तो, आसान शब्दों में बोले तो आपका इंग्लिश हो गया. इंग्लिश में क्या क्या आपको पढ़ना है? कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है सबको पता है, बड़ा सा पैसेज दिया होता है, उसे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन होते हैं आपको सॉल्व करने होते हैं. तो इसमें 5 क्वेश्चन होंगे तो 5 लाइक 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, कोई नहीं. तो ये चीज़ समझ गए. उसके बाद आपको पढ़ना होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है. उसके बाद आपको पढ़ना होता है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने स्कूल में पढ़ा है, हाई स्कूल में, राइट? तो वो वाली चीज़ हो गई. उसके बाद एरर करेक्शन. एरर करेक्शन अब क्या होता है, तो बहुत सारा जो आपका एक सेंटेंस है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, और आपको पता करना होता है कि कौन से पार्ट में एरर है, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, और एक शायद आपका नो एरर करके भी ऑप्शन होता है, कि अगर पूरा का पूरा सेंटेंस सही है, कोई एरर नहीं है, तो उसको नो एरर में आप लगा सकते हो. तो ये हो गया आपका एरर करेक्शन. नेक्स्ट इज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. ऑफ कोर्स इससे क्वेश्चन आएंगे, मीनिंग वगैरह पूछा जा सकता है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं. उसके बाद अगर आ जाए तो आपका हो गया सेंटेंस अरेंजमेंट. अब ये क्या होता है, 4 सेंटेंस दिला हुआ है, परफेक्ट अरेंजमेंट क्या होगा, मतलब सेंटेंस पी क्यू आर एंड एस, इसको आप किस तरीके से अरेंज करोगे कि एक मीनिंगफुल स्टोरी काइंड ऑफ बन जाए. तो ये हो सकता है SQRP, PQSR, मतलब किस तरीके से चारों स्टेटमेंट को आप अरेंज करोगे, समझ गए आए हो? तो ये आपको दिया जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट और जो हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें तुम बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाने की ज़रूरत है. अगर लॉजिक लग गया तो बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, नहीं लगा तो इसमें उतना ही गंदा स्कोर किया जाता है. खैर देखते हैं क्या क्या है. तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज़ नंबर सीरीज़. तो नंबर सीरीज़ को बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है. नेक्स्ट में अगर हम आ जाते हैं तो दैट इज़ कोडिंग डिकोडिंग. तो कोडिंग डिकोडिंग भी उतना ही ज़्यादा आसान और उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कोडिंग डिकोडिंग में किस तरीके का क्वेश्चन होता है, दिया जाएगा कि इन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज, लाइक कोई भी एक वर्ड ले लो ना, कौन सा ले ले, सैम, लेट्स से SAM, सैम. सैम इज़ रिटन एज TBM, ठीक है. तो कोई और वर्ड दिया जाएगा वो कैसे, तो अभी तुम्हें देख के समझ आ रहा है, एस की जगह हमने टी लिया है, ए की जगह बी लिया है, एम की जगह एन लिया है, मतलब एक एक जो हमारा नेक्स्ट लेटर है उसको हम लिख देंगे तो हो जाएगा. तो आपको पैटर्न पकड़ना होगा, यहाँ मैंने बता दिया, ऐसे कोई बताएगा नहीं, लेकिन आपको वो करना पड़ेगा. तो दिस इज़ कॉल्ड कोडिंग डिकोडिंग, सॉरी. नेक्स्ट इज़ आपका मिरर एंड वाटर इमेज. अब ये क्या है, कोई फिगर दिया रहेगा, लिखा रहेगा वहाँ पे कि 90 डिग्री पे, एग्जांपल है 90 डिग्री पे अगर मैं मिरर लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, तो आपका इमेज जो मिरर में आएगा वो कैसा बन रहा होगा. 4 ऑप्शंस होंगे, एक में मानना होगा. वहाँ पे मिरर नहीं मिलेगा प्रैक्टिकल करके देखने के लिए, खुद दिमाग लगाना होगा कि मिरर यहाँ लगाते हैं तो यहाँ से ऐसे जाता है, फिर कैसे होता है, वो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, तो वो देख लेना. नेक्स्ट है आपका पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस. पैटर्न बेस्ड बोले तो इसका मतलब आपका हो गया जैसे ए बी बी सी सी, नेक्स्ट लेटर क्या होगा प्रेडिक्ट करो. तुम्हें पता है ए एक बार आया, बी बी दो बार आ रहा है, फिर हमने क्या लिखा है सी सी और नेक्स्ट, तो सी आएगा क्योंकि सी 3 बार आना चाहिए. तो इसी तरीके से आपको कौन सा पैटर्न है, पैटर्न पकड़ लोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है. इसमें मेन प्रॉब्लम होता है पैटर्न पकड़ना, तो यहाँ पे पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन एक. एंड लास्ट टॉपिक जो इसका है वो है डेटा सफिशिएंसी. उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. तो डेटा सफिशिएंसी मतलब आपको दिया रहेगा 2 सेंटेंस वगैरह, और इसमें कौन सा सेंटेंस जो है वो कंक्लूड करने के लिए, लाइक कंक्लूजन निकालने के लिए एनफ है,
तो क्वेश्चन में आपको, मतलब सॉरी ऑप्शन में आपको हो सकता है फर्स्ट स्टेटमेंट इज एनफ, सेकंड स्टेटमेंट इज एनफ, बोथ आर एनफ, लाइक बोथ आर टुगेदर, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की नीड पड़ेगी, और आपको आ सकता है कि इनसफिशिएंट है, ठीक है, ये एक तरीके का हो सकता है। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे कि आपको इसका आंसर देना है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर वन में ए, बी, सी एंड डेटा इनसफिशिएंट। कभी कभी होता है ना कि प्रॉफिट लॉस का अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूँ और उसमें सिर्फ सेलिंग प्राइस दे दूँ और बाकी मैंने कोई इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है, तो तुम कैसे निकालोगे, है ना? कुछ तो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, तो वहाँ पे तुम बोल सकते हो कि दैट इज़ ये सॉरी डेटा इनसफिशिएंट। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो बस यही है घुमा फिरा के तुम्हारा सिलेबस। तो आई होप तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या हो सकते हैं, नहीं हो सकते। आइडिया लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करो, जितना ज़्यादा मन करे लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट, लव यू ऑल, बाय बाय।